तीसरी लहर आएगी, ऐसी आशंका हर एक शख्स में कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि ओमिक्रॉन की वजह से क्रिसमस का त्यौहार भी कहीं ना कहीं फीका रहा। अब नव वर्ष है तो ऐसे में लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल है कि क्या तीसरी लहर अब 2022 में आने जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन का खतरा धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ सकता है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट का प्रसार तेजी के साथ होने लगा है। यह अब तक के 19 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या जो है 578 हो गई है। ओमिक्रॉन संक्रमितों के मामलों में दिल्ली ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है, यानी दिल्ली में अब सबसे अधिक 142 मामले हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र 141 संक्रमितों के साथ दूसरे पायदान पर बना हुआ है। वहीं बढ़ते ओमिक्रॉन को देखते हुए यूपी के बाद दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि नाइट कर्फ्यू एक बार फिर से शुरू हो गया है, 50% की क्षमता के साथ तमाम चीजें खुलनी शुरू हो गई हैं, वहीं मास्क लगाना अनिवार्य है, दुकानों पर ये पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं, दुकानदारों से लगातार अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वो लोगों को जागरूक करें ताकि लोग खुद भी जागरूक हों और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को हम रोक सकें। तो देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के ताजा हालात क्या हैं वो जानिए। कुल मामले 578, कुल रिकवरी 151, कुल राज्य 19 बताए जा रहे हैं। ये है ओमिक्रॉन वेरिएंट के ताजा हालात देश में। तो देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के ताजा हालात क्या हैं, कुल मामले अगर आपको बताएं तो 578 हो चुके हैं। वहीं अगर रिकवरी की मैं बात करूं तो कुल रिकवरी 151 है, कुल राज्य 19 बताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अब तक ओमिक्रॉन की वजह से एक भी मौत देश में नहीं हुई है। अगर देखा जाए तो ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा खतरनाक है, एक के बाद एक कई लोगों को संक्रमित कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी राहत यह है कि ये कहीं ना कहीं डेथ रेशियो के मामलों में शून्य अभी तक देखने के लिए मिल रहा है। तो आगे आपको बताएंगे कि कितने संक्रमित हुए हैं और कितनी रिकवरी हुई है। दिल्ली से आप देखिए, कुल मामले 142 है, रिकवरी 23 बताई जा रही है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में कुल मामले 141 है, रिकवरी 42 बताई जा रही है। केरल की अगर मैं बात करूं तो केरल में कुल मामले 57 है, रिकवरी अब तक 1 हो पाई है। गुजरात कुल मामले 49, रिकवरी 10 बताई जा रही है। इसके अलावा अगर राजस्थान की मैं बात करूं तो कुल मामले 43 है, रिकवरी यहां पर सबसे ज्यादा है 30। तेलंगाना कुल मामले 41, रिकवरी अब तक 10 ही हो पाई है। इसके अलावा और भी राज्य हैं, तमिलनाडु कुल मामले 34, रिकवरी अब तक 0 है, एक भी रिकवरी अब तक नहीं हो पाई है। कर्नाटक कुल मामले 31, रिकवरी 15 हुई है, यहाँ पर भी हालात बेहतर हैं। महाराष्ट्र में कुल मामले 9 है, रिकवरी 7 हुई है। मध्य प्रदेश में मामले भी कम है, रिकवरी भी तेजी के साथ हो रही है। आंध्र प्रदेश में कुल मामले 6 है, रिकवरी 1 हुई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं तो कुल मामले 6 है, रिकवरी 1 हुई है। हरियाणा में कुल मामले 4 है, रिकवरी 2 हुई है। इसके अलावा ओडिशा की मैं बात करूं तो ओडिशा में कुल मामले 4 है, रिकवरी 0 बताई जा रही है। वहीं अगर चंडीगढ़ की मैं बात करूं तो चंडीगढ़ में कुल मामले 3 है, जिसमें से 2 की रिकवरी हो चुकी है, 1 का इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर में भी कुल मामले 3 है, रिकवरी 3 हुई है, जिसमें से 1 का इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश लाइमलाइट में है, विधानसभा चुनाव होने हैं और तमाम तैयारियां जो है वो देखी जा सकती है। कुल मामले 2, रिकवरी भी 2 है। हिमाचल प्रदेश में कुल मामला 1, रिकवरी भी 1 की हो चुकी है। लद्दाख में कुल मामला 1 है, रिकवरी भी 1 की हो चुकी है। उत्तराखंड सियासी मायने में ये भी बेहद खास है, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, कुल मामले 1 है, रिकवरी 0 है। यानी कि जितने तेजी के साथ ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं इन राज्यों में, वैसे वैसे ठीक भी हो रहे हैं। दिल्ली टॉप पर बना हुआ है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। हालांकि दो दिन पहले की हम बात करें तो महाराष्ट्र टॉप पर था, दिल्ली दूसरे पायदान पर था, लेकिन दिल्ली ने मामले बढ़ा दिए हैं और अब मामले जो है महाराष्ट्र में दिल्ली से कम हो गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर वीपी त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीपी त्यागी साहब, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। सबसे पहले डॉक्टर साहब, अगर हम ओमिक्रॉन की बात करें तो त्योहार जो क्रिसमस का था वो फीका हो गया, नव वर्ष बेहद करीब है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो लॉकडाउन जैसे हालात हो रहे हैं, क्योंकि अगर बाजारों में आप निकलेंगे या किसी गली मोहल्ले में जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा चर्चा है कि क्या 2022 में लॉकडाउन लगने जा रहा है। ऐसे में अगर हम देखें तो हमें कितना ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है।
मैं सबसे पहले एक छोटा सा ओमिक्रॉन के बारे में बताता हूँ। ये म्यूटेटेड वायरस है और ये 7 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। इलनेस भले माइल्ड है इसकी, लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारे 8 साल से 17 साल के बच्चे हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वो रिस्क पर हैं। जो हमारे एडल्ट हैं या जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हैं, जो कैंसर के पेशेंट हैं, जो गुर्दा खराब होने के पेशेंट हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो अधरंग वाले पेशेंट हैं, वो अभी भी उतने ही रिस्क पर हैं। इसको हम बहुत हल्के से नहीं ले सकते क्योंकि ये इन्फेक्शन अगर उन लोगों को होता है जो हेल्दी एडल्ट हैं, हम एक बार स्टडीज के हिसाब से मान सकते हैं जो अभी तक मिली है कि उनमें हल्का उनको सर्दी जुकाम वाला होगा और उनको बॉडी एक होगा। लेकिन जो बच्चे हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगा है और जो हमारे बुजुर्ग हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उन सबको ध्यान रखना होगा कि हम 4 लेयर मास्क पहने, 2 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। डॉक्टर साहब, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी। आप 4 लेयर की बात कर रहे हैं। जब डेल्टा वेरिएंट आया था भारत में और कहर बरपाया था, तब 3 लेयर मास्क को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी कि 3 लेयर मास्क लगाना जरूरी है। अब 4 लेयर मास्क यानी कि डेल्टा से ज्यादा खतरनाक ओमिक्रॉन है? नहीं, ये खतरनाक नहीं है, लेकिन डेल्टा से 7 गुना तेजी से फैलता है। बात है रोकने वाली, इतना खतरनाक नहीं है। लेकिन अगर हम 4 लेयर मास्क पहनेंगे तो ये एक से दूसरे में नहीं जाएगा, और अगर ये एक से दूसरे में नहीं जाएगा तो तेजी से नहीं फैलेगा, तो थर्ड वेव हमारी लाइट हो सकती है जी। इसके अलावा डॉक्टर साहब, ये भी मैं जानने की कोशिश करूंगी आपसे कि अभी कुछ दिनों पहले ही हमने देखा था कि बच्चों की वैक्सीनेशन को लेकर बहुत लोग आवाज़ उठा रहे थे कि बच्चों को लेकर वैक्सीन कम मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा बूस्टर डोज को लेकर भी बहुत हल्ला हुआ है, विपक्ष ने भी हंगामा किया। देखिए, यहाँ राजनीति की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो देश में हो रहा है बस उसका मैं जिक्र कर रही हूँ। लेकिन अभी 2 दिन पहले ये घोषणा की गई है कि बच्चों को भी जल्द से जल्द वैक्सीन अब मिलने जा रही है। इसके अलावा बूस्टर डोज को लेकर भी चर्चा हुई है कि बूस्टर डोज भी अब दिया जाएगा। देखिए, अगर ओमिक्रॉन की मैं बात करूं तो जिन्होंने दोनों डोज ले रखी है उनको भी ये संक्रमित कर रहा है। बूस्टर डोज कितना सफल साबित होगा? जो बूस्टर डोज है वो इसमें कोई हेल्प नहीं करेगा। आप ये मान के चलिए कि ये इस तरह रहेगा जैसे अगर मैं हाईवे पे जा रहा हूँ तो मैंने सीट बेल्ट लगा ली है जी। सीट बेल्ट लगाने से मुझे ये सिक्योरिटी जरूर रहेगी कि अगर एक्सीडेंट होगा तो शायद मेरी जान बच जाए जी। लेकिन एक्सीडेंट अगर फेटल होता है तो सीट बेल्ट मुझे मेरी जान को नहीं बचाएगी। तो बूस्टर डोज एक सीट बेल्ट की तरह काम करेगा जी। बूस्टर डोज से क्योंकि ये इम्यूनिटी को पेनिट्रेट कर रहा है। तो अंतराल डॉक्टर साहब, अंतराल कितना होना चाहिए? देखिए, जैसे कि अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, अगर मैंने 2 महीने पहले दूसरी डोज ली है तो क्या मैं बूस्टर डोज अभी ले सकती हूं? जी, बूस्टर डोज में 3 महीने का अंतराल होना चाहिए। और जो 3 महीने का अंतराल होगा उससे एंटीबॉडीज हमारी अच्छी बनेगी जी। पर एंटीबॉडीज बनने के बाद इस वायरस को रोक पाएगी ये स्टडी अभी नहीं है। ये बात समझने की है कि बूस्टर डोज हमारी हेल्प नहीं करेगा। दूसरा, जो अभी माननीय प्रधानमंत्री ने बच्चों का बोला है जी, उन्होंने बोला है 15 to 18, लेकिन जो बच्चे रिस्क पे हैं वो है 8 साल से 17 साल तक के। मैं इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें अगर 8 साल से लेकर 17 साल के बच्चे हो जाएं तो वो भी इतना सिक्योर हो जाएंगे, उनको प्लेसिबो इफेक्ट आ जाएगा कि हमने सीट बेल्ट लगा ली है जी।
डॉक्टर साहब, यहाँ पर आप बच्चों का जिक्र कर रहे हैं, बच्चों की वैक्सीनेशन को लेकर आपने अभी जिक्र किया कि 8 से जो 17 साल के बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन अब लगनी शुरू हो जाएगी। देखिए, अगर हम देखें तो हमने देखा है कि जब हम वैक्सीन लगवाने जाते हैं, चाहे वो फर्स्ट डोज हो चाहे वो सेकेंड डोज हो, तो कई लोग ऐसे हैं जिन्हें हल्का बुखार आता है, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है, कुछ लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। हालांकि चिंता की बात नहीं थी, लेकिन फीवर बहुत ज़्यादा लोगों को आया था। क्या जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, क्या उनकी बॉडी इतनी परिपक्व है कि वो उस दर्द को सहन कर सके, या उनकी जो वैक्सीन जो तैयार हुई है वो थोड़ी माइल्ड है? नहीं, बच्चों में जो इम्यूनिटी बनती है वो एक थाइमस ग्लैंड होती है, वो बच्चों का हेल्प करती है इम्यूनिटी बनाने के लिए जी। और वो कोई भी वैक्सीन लगता है तो बच्चे एडल्ट से ज्यादा टॉलरेट कर लेते हैं। 8 साल के बच्चे की अगर हम बात करें तो वो एडल्ट से ज्यादा टॉलरेट कर लेते हैं और उनमें जो थाइमस ग्लैंड है वो उनकी हेल्प करती है। यानी डॉक्टर साहब की पेरेंट्स जो है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के सवाल थे। नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चों का वैक्सीनेशन होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, मैं ये सलाह दूंगा सभी पेरेंट्स को और जो स्कूल चला रही है संस्थाएं, कि आप इस पे थोड़ा सा वो प्रतिबंध लगाएं, क्योंकि अगर स्कूल में बच्चे जाएंगे तो वो डेफिनेटली उनसे उनको होगा कोविड, और फिर आके फैमिली मेंबर्स को वो तेजी से फैलेगा, आसपास के एरिया में फैलेगा, तो हम कितने कंटेनमेंट जोन बनाएंगे जी। स्कूल को अब ऑनलाइन रखना चाहिए, ये मेरी गुजारिश है। अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बूस्टर डोज लगनी है, उसका स्वागत है, लेकिन उसका कितना इफेक्ट आएगा ये देखना है, बिल्कुल बता नहीं सकते हैं। ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और सवाल ये है कि अभी हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन पर बहुत चर्चा हो रही है, तमाम डॉक्टर्स इस पर कहीं ना कहीं अपनी राय रख रहे हैं, इसके अलावा जो विशेषज्ञ हैं वो अपनी राय रख रहे हैं। आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगी कि इस ओमिक्रॉन के मामलों पर बात तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन इसके लक्षण अभी भी पकड़ में नहीं आ रहे हैं। बहुत बार टेस्टिंग की जा रही है, बहुत स्टडी की जा रही है, फिर भी इसके लक्षण उतने क्लियर नहीं हो पा रहे जितने डेल्टा के क्लियर थे जी। इसमें जो इसके लक्षण है वो बहुत ही साधारण है, नाक का बहना जी, सर्दी जुकाम जैसे लक्षण, और बहुत ज्यादा बॉडी एक इतना होगा कि आप इमीडिएटली पहचान पाएंगे कि ये ओमिक्रॉन है। उसके साथ थोड़ा सा उनका नाक बहेगा, माइल्जिया थोड़ा सा रहेगा। अब इनको हमें डिफ्रेंशिएट करना है एलर्जी से और कॉमन कोल्ड से। एज ए ईएनटी स्पेशलिस्ट मैं ये आपको और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अगर कोई एलर्जी का पेशेंट हमारे पास आएगा तो उसकी नाक बहेगी, नाक में थोड़ी खुजली रहेगी, हल्का सा सांस में दिक्कत हो सकती है, नाक बंद रहेगी। अगर कॉमन कोल्ड का पेशेंट आएगा, उसकी नाक बंद रहेगी, उसमें खुजली नहीं होगी, उसके साथ माइल्ड फीवर हो सकता है, लेकिन बॉडी एक जितना ओमिक्रॉन में होता है उतना उसमें नहीं होगा जी। तो इन तीनों को हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से हमें एलर्जी के पेशेंट्स को भी देखना है, बहुत एलर्जी बढ़ रहा है, अब मौसम चेंज हुआ है तो कॉमन कोल्ड के पेशेंट को भी देखना है और ओमाइक्रॉन के पेशेंट को भी देखना है। ठीक है, ओमाइक्रॉन जो बहुत ज्यादा पेनफुल हालात लेकर आएंगे उनका हमें टेस्ट करना है। ये अभी जो कंडीशन सामने आ रही है उसमें 40% टेस्ट में ये पॉजिटिव नहीं आ रहा है जी। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया है कि जो सामान्य कोल्ड है, सर्दी जुखाम है, सामान्य वायरल है, उसमें और ओमिक्रॉन में बहुत माइनर सा अंतर है जिसे समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, अगर शहरी इलाकों में बात करूँ तो लोग बहुत ज़्यादा इसको लेकर कहीं ना कहीं जागरूक होते हैं, लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, वहां लोग नहीं समझ पाते। तो ऐसे में हमारा मकसद ये है कि वहां तक हमारी आवाज़ पहुंचे, लोग समझ पाएं, लोग जागरूक हो पाएं, ताकि इस ओमिक्रॉन की जो लहर है, जो चेन बनी हुई है, उसे तोड़ा जा सके।
और मेरे सहयोगी मनवर चौहान मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनवर से भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि हालात कैसे हैं। मनवर, अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो ओमिक्रॉन के दो मामले हैं, रिकवरी दोनों की हो चुकी है, क्या टेस्टिंग की कमी है या कोई और वजह है, क्योंकि इतना बड़ा बाहुल्य प्रदेश और मामले सिर्फ दो? मनवर, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? तो मनवर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल जो तस्वीरें हैं, जो हकीकत है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ओमिक्रॉन से डरने की जरूरत नहीं है, ओमिक्रॉन खतरनाक है, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इसमें डेथ रेशियो वो अब तक शून्य देखा जा रहा है। जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, उस तरह से रिकवरी रेट भी तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में हमें समझने की जरूरत है कि अभी हमें सावधानी बरतनी है या हालात मार्च 2021 जैसे देखने हैं। अगर अभी से हम सावधान हो जाएं तो फिर हम इस चेन को बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये राहत है कि इसमें डेथ रेशियो नहीं है, ना के बराबर है। मेरे सहयोगी मनवर एक बार फिर मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनवर, अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो सिर्फ दो मामले सामने आए हैं ओमिक्रॉन के और दोनों ही ठीक हो चुके हैं, क्या इतनी ज़्यादा जागरूकता है या प्रशासन इतना ज़्यादा अलर्ट है कि मामले आ ही नहीं रहे हैं, या फिर कुछ छिपा हुआ है, टेस्टिंग नहीं हो रही है या जानबूझकर दिखाने की कोशिश नहीं हो रही है? देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो काफी बड़ा प्रदेश है और देश में इसकी पॉपुलेशन जो है किसी से छुपी नहीं है। हालांकि यहाँ पर दो मामले आए हैं, थोड़ा अटपटा है, लेकिन जिस तरीके से आसपास के राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं, खासतौर से महाराष्ट्र की और मुंबई की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर कल भी 20 से अधिक पेशेंट सामने आए हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ऐसे में यहाँ पर टेस्टिंग अगर हो जाए तो शायद इस प्रकार के मामले निकल आए, क्योंकि पूर्व में देखा गया 5-4 दिन पहले ही कोरोना के कुछ पेशेंट्स निकले थे जो डॉक्टर थे, हालांकि उनकी चेन को खंगाला गया, कुछ नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में अगर इस वक्त की बात की जाए तो यहाँ पर विधानसभा का चुनाव सर पर है और सभी विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में जो पार्टियां लगी हुई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो अगर बात कर ली जाए, यहाँ पर प्रतिदिन कोई ना कोई आयोजन होता है। आज यहाँ जयंत चौधरी है, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होंगे और एक दो दिन बाद फिर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद भी यहाँ पर कई आयोजन रखे गए हैं। मनवर, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बहुत करीब से जानते हैं क्योंकि लगातार आप फील्ड पर बने रहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो नाइट कर्फ्यू है, उसका असर कितना देखने के लिए मिल रहा है? देखिए, मैं वही आ रहा था। नाइट में कर्फ्यू लग चुका है और पुलिस के अधिकारी पहले दिन ही सड़कों पर उतरे थे और बड़ी तादाद में लोगों को समझाया, चालान किए, हिदायत दी। लेकिन मैं वही सवाल खड़ा करता हूँ कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर नहीं, पूरे यूपी की बात कर ली जाए, यहाँ 11 बजे के बाद सख्ती दिखाना सुबह के 6 बजे तक कितना सही है? उसके बाद सुबह होती है, बड़े बड़े प्रोग्रामों के आयोजन होते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है, अपने घर जाती है और रात में उनको घर कैद करने की कोशिश की जाती है। क्या उससे ओमिक्रॉन जो वायरस है फैलने से रुक पाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल मनवर, और नए साल को लेकर क्या तैयारियां हैं प्रशासन की? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हालात आप बताइए। देखिए, नए साल को लेकर के पहले ही नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। राजस्थान पर पुलिस की पूरी कोशिश है कि 11 बजे के बाद कहीं भी किसी प्रकार का कोई आयोजन ना हो, लेकिन उससे पहले 11 बजे पहले कितनी ही जनता, कितनी पब्लिक जुटेगी, उसके लेकर के कोई रणनीति शायद अभी ग्राउंड पर नहीं दिखाई देती है। बाजारों में इस वक्त देखा ही जा रहा है, कुछ लोग खुद ही जो अवेयर लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो पहुंच रहे हैं डोर टू डोर दुकानों पर, व्यापारियों पर, प्रतिष्ठानों पर जाते हैं, वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ओमिक्रॉन आ चुका है, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। लेकिन सपोर्ट किस तरह से करना है, दुकानें बंद करनी है, खोलनी है और मास्क लगवाने नहीं। मनवर, एक आखिरी सवाल आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगी कि लोगों से अपील की जा रही है कि आप सपोर्ट करिए। देखिए, आप शादी ब्याहों में 200 लोगों की एंट्री की बात करते हैं, भीड़भाड़ वाली इलाकों से बचने की कोशिश करते हैं, आपने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, लेकिन इन रैलियों को कैसे आप रोकिएगा? रैलियों में जो हजारों की भीड़ उमड़ रही है, क्या लोग ये समझेंगे नहीं, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है? देखिए, यही तो विडंबना है उत्तर प्रदेश की, यहाँ कानून बनते हैं लेकिन सबके लिए नहीं। यहाँ जनता के लिए तो रोक लगा दी गई है, जनता को बताया जा रहा है कि आप ऐसा ना करें, लेकिन जो रैलियों की अगर बात कर ली जाए तो बड़े बड़े आयोजन ग्राउंड पर हो रहे हैं। आज भी कई हजार लोगों के जुटाने के प्रोग्राम सिवाल खास विधानसभा में रखा गया है, उसके अलावा सरगना विधानसभा में
खलावा गांव पड़ता है, वहां पर खुद प्रधानमंत्री गृह मंत्री आएंगे 2 तारीख को। उससे सिवाल खास के जानने में शिवपाल सिंह यादव आएंगे। हजारों हजार लोगों की तैयारियां बैठने की कर ली गई है। अगर खलावा की बात की जाए तो प्रधानमंत्री के प्रोग्राम को लेकर के 20,000 कुर्सियां डाली गई है। आप समझिएगा कितनी तादाद में लोग पहुंचेंगे। ऐसे में ये सवाल नहीं उठना लाजमी है कि क्या रात को ओमिक्रॉन फैलता है, दिन में नहीं फैलता है। शादियों पर और शादियों के आयोजनों पर रोक है, तमाम बिल्कुल, और ऐसे तमाम सवाल हैं। आम जनता के सरकार इसका जवाब कब देती है ये देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनवर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो ओमिक्रॉन ने चिंता बढ़ा दी है, लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। तो देश भर में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, 578 हो चुके हैं। लेकिन आम जनता का सवाल ये है कि आप लोग हर चीज में कहीं ना कहीं जो नियम कानून है बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो चुनावों की तैयारियां हम देख रहे हैं इन राज्यों में, वहां पर क्या भीड़ भाड़ नहीं हो रही है? उन रैलियों में, उन जनसभाओं में क्या भीड़ नहीं है? क्या वहां पर कोरोना नहीं फैलेगा? सिर्फ और सिर्फ जो त्योहार हैं वही मनाने से कोरोना फैलता है? आम जनता के सवाल है जिनके जवाब सरकार को देने चाहिए। हमारा सबसे बड़ा मकसद यही है कि सरकार सामने आए और जवाब दे आम जनता को।